क्या आपने कभी सोचा है कि एक फिल्म कैसे भारत के हिंदी सिनेमा को पूरी तरह से बदल सकती है? एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई बल्कि भारतीय सिनेमा की किताब में अपना नाम भी अमर कर दिया। 15 अगस्त 1975 को रिलीज हुई ये फिल्म कोई मामूली फिल्म नहीं थी। इसे लाखों दर्शकों को प्रभावित किया। जय और वीरू की दोस्ती, बसंती की मस्त अदाएं और गब्बर सिंह का खौफ, ये सभी आज तक हमारे दिलों में बसे हुए हैं। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे हम बात कर रहे हैं फिल्म शोले की। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के पीछे कितनी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियां छुपी हैं? आज हम आपको दिखाएंगे शोले से जुड़ी कुछ ऐसी अनजानी बातें और रहस्यों की झलक जिनसे आप अब तक अनजान थे। वो किस्से जो फिल्म के रिलीज के बाद भी चर्चा में रहे और जो शायद ही किसी ने सुने हों। तो चलिए जानते हैं कि कैसे एक असफल शुरुआत ने इस फिल्म को इतिहास में अमर बना दिया और किस तरह के दिलचस्प ट्विस्ट ने शोले को एक क्लासिक हिट बना दिया। क्या आप जानते हैं कि शोले फिल्म को बनाने का विचार कैसे आया? शोले का बीज तब पड़ा जब जीपी सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी ने सीता और गीता की सफलता के बाद एक भव्य एक्शन फिल्म बनाने का विचार किया। मार्च 1973 में सलीम जावेद और रमेश सिप्पी ने मिलकर फिल्म की कहानी पर काम करना शुरू किया। घंटों की चर्चा और बहुत सारी चाय सिगरेट के साथ ये कहानी आकार लेने लगी। वैसे तो हर फिल्म को बनाने में पसीने छूट जाते हैं, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि इस फिल्म के लोकेशन और शूटिंग के लिए डायरेक्टर साहब को बहुत खोजबीन करनी पड़ी। चंबल की घाटी या राजस्थान के सामान्य लोकेशन से बचते हुए उन्होंने रामनगर को चुना। यहाँ की पहाड़ियों और भीड़ों ने फिल्म को असली सिनेमा का अनुभव दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामनगर में पूरी फिल्म यूनिट के लिए मॉडर्न किचन, राशन स्टोर्स और घोड़ों के लिए तबेले बनाए गए। यहाँ तक कि बंगलोर हाईवे से रामनगरम तक एक नई सड़क भी बनाई गई। इस प्रकार की भव्य तैयारी ने शोले को एक ऐतिहासिक फिल्म बना दिया। क्या आपको पता है कि फिल्म की शूटिंग में कितनी मेहनत लगी? शोले के शुरुआत में एक बेहतरीन सीन है जिसमें जय वीरू और ठाकुर गुंडों से ट्रेन में सफर करते हुए लड़ते हैं। ये सीन 7 हफ्ते की शूटिंग में पूरा हुआ। फिल्म में एक कमाल का सीन है जिसमें जया बच्चन लालटेन जला रही है और अमिताभ माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं। बमुश्किल 2 मिनट वाले इस सीन को फिल्माने में 20 दिन का समय लगा था। क्या है किरदारों के पीछे की कहानियाँ? फिल्म के कहानी के साथ ही इसके किरदार को निभाने वाले कलाकारों की कहानियाँ भी काफी मजेदार है। क्या आपको पता था कि गब्बर डाकू का किरदार एक असली डाकू के जीवन से प्रेरित था जो चंबल में राज करता था और अक्सर पुलिस सेनानियों को पकड़कर उनके कान और नाक काट देता था। कहते हैं असली डाकू अपनी पत्नी शांति को अक्सर अरे ओ शांति कहकर पुकारते थे और यहीं से सिप्पी साहब को गब्बर के लिए होली का डायलॉग मिला जिसे आज भी लोग काफी पसंद करते हैं और होली के टाइम सोशल मीडिया पर अक्सर मीम भी बनते हैं। याद नहीं आया? अरे वही डायलॉग, अरे ओ सांभा कितने आदमी थे। क्या आपको पता है धर्मेंद्र नहीं चाहते थे वीरू का रोल करना? फिल्म की कहानी जब धर्मेंद्र ने सुनी तो उन्हें ठाकुर का रोल दमदार लगा क्योंकि कहानी ठाकुर और गब्बर के लड़ाई की पीछ की है। उन्हें वीरू के रोल में ज्यादा दम नहीं नजर आया। उन दिनों धर्मेंद्र और संजीव कुमार दोनों ही हेमा मालिनी को पसंद करते थे। अब क्योंकि शोले फिल्म में हेमा जी भी काम करने वाली थी तो सिप्पी साहब ने एक तरकीब सोची और धर्मेंद्र से कहा कि ठाकुर को तो फिल्म में रोमांस करने का मौका ही नहीं मिलेगा, जबकि वीरू का हीरोइन हेमा मालिनी के साथ कई रोमांटिक सीन्स हैं। धर्मेंद्र को सोचने लगे। सिप्पी साहब उनकी परेशानी समझ गए और इस बात को आगे बढ़ाते हुए बोले वे वीरू का रोल संजीव कुमार को ही दे देंगे। तरकीब काम कर गई और धर्म पाजी वीरू का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए। धर्मेंद्र और संजीव कुमार के बीच हेमा मालिनी के प्रेम के पीछे की कहानियां भी फिल्म की रोचकता को बढ़ाती है। दरअसल जैसा हमने आपको बताया, संजीव कुमार और धर्म पाजी दोनों ही हेमा जी को पसंद करते थे। फिल्म शोले की शूटिंग के कुछ दिनों पहले संजीव कुमार ने हेमा मालिनी के आगे शादी का प्रस्ताव रखा था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। इसी वजह से शोले में दोनों के बीच के सीन्स ना के बराबर है। धर्मेंद्र जानते थे कि संजीव कुमार भी हेमा जी पर लट्टू हैं, इसलिए वे हेमा जी के हमेशा इर्द गिर्द ही घूमते थे ताकि संजीव कुमार को हेमा जी से बात करने का भी मौका ना मिले। शोले का फिल्मी पर्दे पर असर। शोले फिल्म ने 5 साल लगातार बम्बई के सिनेमा घर में चलकर
एक कीर्तिमान कायम किया था। इसके पहले बॉम्बे टॉकीज की फिल्म किस्मत, जो साल 1943 में रिलीज हुई थी, जिसे जॉय मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था, कलकत्ता में लगातार 3.5 साल तक चली थी। शोले का रिकॉर्ड दिलवाले दुल्हनिया ने तोड़ा। यह फिल्म अभी भी मुंबई के मराठा मंदिर में चल रही है। शोले फिल्म ने बाजार में कई तरह की चीजों को बेचने में कामयाबी हासिल की थी, ग्लूकोज बिस्किट से लेकर ग्रेप वाटर तक। फिल्म की कहानी हिंदी सिनेमा के फिल्म मेकर्स को इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसके आग और कर्मा जैसी कई रीमेक फिल्में भी बनाई। कितने आदमी थे, बेशक ये डायलॉग मात्र 3 शब्दों का है, लेकिन इस डायलॉग को परफेक्शन में लाने के लिए मेकर्स ने 40 बार रीटेक लिए थे। इस डायलॉग को बोलने में गब्बर सिंह के भी पसीने छूट गए थे। डायरेक्टर को हर एक सीन परफेक्ट चाहिए था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा लग गया था कि यह डायलॉग आगे चलकर खूब हिट होने वाला है। दशकों तक इस डायलॉग को दर्शक दोहराने वाले हैं। तभी तो इस 3 शब्द के डायलॉग को फिल्माने में उन्होंने अमजद खान के पसीने छुड़वा दिए। बार बार रीटेक लेने के बाद 40वें टेक पर यह सीन ओके हुआ, तो गब्बर सिंह की जान में जान आई। अब सोचने वाली बात यह है कि इतनी सफल होने के बावजूद क्यों हार गई अवार्ड्स की जंग। आपको जानकर हैरानी होगी कि शोले फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार सफलता की, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 1 फिल्मफेयर पुरस्कार ही कमा पाई। इतना सब कुछ होते हुए भी शोले का जादू आज भी कायम है। यह फिल्म न सिर्फ एक सिनेमाई अनुभव थी, बल्कि फिल्म इतिहास की एक महत्वपूर्ण कड़ी भी बनी। तो दोस्तों, यह थी हमारी शोले की अनसुनी कहानी। क्या आपको पता था कि इतने सारे रहस्यों के पीछे इतनी मेहनत और लगन छिपी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप किसी भी फिल्म कहानी से वंचित ना रह सके। आपको शोले फिल्म का कौन सा डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।